शाम हो गई है और भूख भी लग गई है, तो चलो मैगी बना लेते हैं। मैगी तो एक ऐसी चीज़ है कि कभी भी बना लो, अच्छी लगती है। तो आज पनीर तड़का मैगी बनाएंगे। सबसे पहले ना देसी घी में जीरा को तड़क जाने देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज लिए हैं जिसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। एक बात बताओ, आपको कौन सी वाली मैगी पसंद है? यहाँ पे ना मैंने टमाटर लिया है, अब इसे हल्का सा सौते कर लेंगे और इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे ताकि जो टमाटर है वो गल जाएं। पता है जब मैं छोटी थी तो मम्मी ने ना एक रूल बना रखा था कि मैगी तो सिर्फ सैटरडे मॉर्निंग में ही मिलेगी। मैगी एक ऐसी चीज़ है ना कि सबकी यादें जुड़ी हुई हैं कुछ ना कुछ इससे। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे पनीर के क्यूब्स डाल दिए हैं, इसमें हल्दी और देगी मिर्च डाल देंगे और इसे भून लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप अपना भी वेरिएशन कर सकते हो, जैसे चाहो शिमला मिर्च वगैरह डाल दो, कॉर्न वगैरह डाल दो, मतलब कोई भी सब्ज़ी अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हो। मैं बेसिक पनीर तड़का मैगी बना रही हूँ। अब क्या करो, वो वाली फिलिंग को निकाल लो किसी जगह पे, मतलब किसी प्लेट पे साइड में हटा लो और इसके बाद पानी डाल दो पैन में, सेम पैन में, और इसमें मैगी मसाला और मैगी डाल दो। यहाँ ना मैं एक ही मैगी बना रही हूँ क्योंकि आज बस मुझे ही खाना है ये। जब मैगी पक जाएगी तो हम लोगों ने जो मसाला तैयार किया है ना उसे डाल के मिक्स कर लेंगे। बहुत ही यम मैगी बनती है। अब एक बार इस तरीके से तड़का वाली मैगी बना के तैयार करना। चलो अब इसका तड़का प्रिपेयर कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। आपको घी में क्या करना है, करी पत्ते को थोड़ा फ्राई कर लेना है। तड़के में चाहो तो आप ना एक लाल मिर्च भी डाल सकते हो, बट मैंने पहले से ही थोड़ी सी मिर्च डाली थी इसीलिए मैंने नहीं डाला है। अब जब ये फ्राई हो जाएगा ना तो ऊपर से लगा दो करी पत्ते का तड़का। तैयार है तड़के वाली पनीर मैगी। खाओ पियो मज़े करो और ऐसी और रेसिपीज़ के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो।